तो और भाई लोग, क्या हाल चाल यार सभी के? उम्मीद करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो सीज़न 16 से आप लोगों को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को याद होगा कि भाई पहले जब हम पबजी मोबाइल खेलते थे तो उसमें हम किसी भी सर्वर पे जाकर रैंक पुश कर सकते थे या फिर कोई भी सर्वर पे हम मैच खेल सकते थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होती थी, हाँ बस पिंग हाई रहती थी और गेम थोड़ा सा लैग होता था, वो चीज़ें होती थी लेकिन हम खेल सकते थे। लेकिन सीज़न 16 से आप लोगों को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। और वो बड़ा चेंज क्या है? तो भाई देखो, हम 60 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपना सर्वर को चेंज कर पाएंगे। अब देखो आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई देखो, मान लो हम सभी तो भाई एशिया के प्लेयर हैं, भाई एशिया पे ही खेलते हैं। तो हम एशिया पे मान लो अपनी गेम शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने किसी भी रीज़न से, आप सभी को पता है कि काफ़ी लोग आरपी मिशंस को पूरा करने के लिए भाई दूसरे सर्वर पे जाते हैं, वहाँ पर इजी रहता है भाई मिशंस को पूरा करना। तो आप दूसरे सर्वर पे मिशंस को पूरा करने के लिए जाते हो या फिर किसी भी रीज़न से आप दूसरा सर्वर खेलते हो, फॉर एग्जांपल आप मिडल ईस्ट पे चले जाते हो। मैंने क्या बोला था कि आप 60 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपना सर्वर को चेंज कर सकते हो। आप मिडल ईस्ट पे गए, आपने वो खेला, लेकिन आप दोबारा से एशिया सर्वर पे नहीं आ पाओगे। आपको 60 डेज तक वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। और 2 महीना आपको पता है कि भाई पूरा सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई पूरा एक सीज़न के लिए आप वापस से एशिया सर्वर पे नहीं आ पाओगे फिर दोबारा से। तो आपको सोच समझ के भाई सर्वर को चेंज करना पड़ेगा। और एक और बड़ा चेंज ये भी हुआ है, आप सभी को पता है कि भाई एशिया सर्वर कितना ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पर रैंक पुश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो काफ़ी बंदे जो है वो दूसरे सर्वर को ट्राई करते हैं, वहाँ पर रैंक पुश करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ईजी रहता है अगर एशिया से कंपेयर करें तो। अब आपको ये करना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से ही दूसरे सर्वर पे रैंक पुश करना शुरू कर दो। मान लो फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट पे अगर आप लोग चले जाते हो, यूरोप पे चले जाते हो, नॉर्थ अमेरिका पे चले जाते हो शुरू में रैंक पुश करने के लिए, तो आप वहाँ पर रैंक पुश कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 60 डेज़ पर आप लोग सिर्फ एक बार अपना सर्वर चेंज कर सकते हो। तो जो आप मिडल ईस्ट पे रैंक पुश करोगे, जितने मैचेस खेलोगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप लोगों ने 50 मैचेस खेले, 100 मैचेस खेले, 200 मैचेस खेले, वहाँ पर आप लोगों ने रैंक पुश किया, और उसके बाद अगर आप एशिया सर्वर पे आते हो, क्योंकि आप आ सकते हो, क्योंकि एक बार 60 डेज पे आप स्विच कर सकते हो सर्वर को सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो अगर आप वापस से एशिया सर्वर पे आते हो और आपने जो मैचेस मिडल ईस्ट पे खेले हैं, जो 50, 100, 200 मैचेस खेले हैं, वो आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे भाई एशिया सर्वर पे, जो कि भाई बहुत ही बड़ा चेंज मुझे लगा। क्योंकि भाई देखो, ऐसा पहले नहीं होता था, जहाँ पर जिस सर्वर पे आप जो मैचेस खेलते थे, जो स्टैट्स आपके जिस सर्वर पे रहते थे, उसी सर्वर पे वो स्टैट्स आपके शो करता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को सीज़न 16 से देखने को मिलेगा। और ये क्यों हुआ है? तो भाई देखो, आप सभी को पता है कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल एशिया सर्वर है, एशिया सर्वर पे बहुत सारे बंदे खेलते हैं, इंडिया से बहुत सारे बंदे खेलते हैं, बाहर से बहुत सारे बंदे खेलते हैं, तो अलग अलग साइड से भाई बंदे खेलते हैं। तो भाई नेटवर्क पे इशू आता है भाई, काफ़ी बंदों को फेस करना पड़ता है, पिंग इशू, लैग इशू, है ना। इस चीज़ को देखते हुए भाई पबजी मोबाइल ने ये बड़ा चेंज किया है। और अब अगर कोई बंदा एशिया सेलेक्ट करके एशिया ही खेलेगा, और जैसे मैंने आप सभी को बताया पूरा सीन अगर ऐसा रहेगा, तो उस हिसाब से पबजी मोबाइल को काफ़ी इजी रहेगा भाई इन चीज़ों पे सुधार करने के लिए। तो इससे ये होगा कि हम सभी को जो लैग इशू, पिंग इशू देखने को मिलता था, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपको सीजन 16 से देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों को तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, जैसे आपका डैमेज चेंज हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आपका पिंग काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा अब से, और जो आपका पबजी का साइज़ है 1.9 GB, उसको कम करके भाई 600 MB कर दिया जाएगा। और बाकी जो इन गेम अपडेट्स रहते हैं भाई, जैसे रिसोर्स पैक, आपके जो मैप होते हैं, अभी मेट्रो वाला आया था भाई जो कि 224 MB का था, और बाकी जो आपके आर्केड मोड्स रहते हैं, आपका एरेना मोड रहता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पेलोड मोड हो गया, काफ़ी कुछ हमें डाउनलोड करना पड़ता है, और जैसे सामने वाले एनिमी हमें नंगे दिखाई देते हैं, तो हम जब रिसोर्स पैक डाउनलोड करते हैं तो भाई उनके पास जो स्किन्स है, जो कपड़े हैं, वो हमें दिखने लग जाते हैं। तो इन गेम अपडेट हमें करना पड़ता है, मतलब कहने का मतलब ये है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा इसे कर दिया, लेकिन तो ये सब चीज़ें हम आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन सीज़न 16 से ये भी एक बड़ा चेंज है कि भाई आप जिस मैप को पसंद नहीं करते, जिस मैप को नहीं खेलते, तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो इन गेम्स, मतलब गेम से ही आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि भाई आपके पास कोई लोड नहीं रहेगा कि भाई हाँ इसे डाउनलोड करना है, या फिर आपकी जो इन गेम परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक साफ क्लियर हो जाएगी पहले से। मतलब साफ क्लियर का मतलब है कि मतलब काफ़ी हद तक आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो जो ये अपडेट है ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि काफ़ी ऐसे मैप्स होते हैं,
काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम डाउनलोड नहीं करते, जिसको हम नहीं खेलते, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपको सीज़न 16 से देखने को मिलेगा। तो नए सीज़न से आप सभी को बहुत नई नई चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है। तो बस यही इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताना था, जो कि बहुत बड़ा चेंज पबजी मोबाइल की तरफ से है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। तो मिलते हैं भाई लोग ऐसी ही एक और वीडियो पे।